इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिटकॉइन क्या है, ये हमारे पास कैसे आएगा और इसकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिटकॉइन एक ऑनलाइन पीयर टू पीयर कैश सिस्टम है जिसकी मदद से कोई भी किसी को भी बिटकॉइन सेंड कर सकता है बिना किसी बैंक की रिक्वायरमेंट के। अगर आपको बिटकॉइन चाहिए तो आपको अपने पीसी में एक बिटकॉइन का वॉलेट चाहिए होगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं electrum.org/download। ये इलेक्ट्रम का सॉफ्टवेयर है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप बिटकॉइन को एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी को भेज भी सकते हैं या फिर रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे आसान सॉफ्टवेयर है इसको यूज करना। आप electrum.org/download पर आ जाएं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ से आप बिटकॉइन का वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि स्टैंड अलोन, विंडोज या पोर्टेबल में से आपका पीसी कौन सा है तो आप वही वाला ऑप्शन चूज करिए। अगर आपको नहीं पता तो विंडोज इंस्टॉलर पर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप विंडोज इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे आपका वॉलेट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे यूज करना बिल्कुल ही आसान है। डबल क्लिक करिए और ये आपके पीसी में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये इंस्टॉल होएगा तो आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। जब आप अपने डेस्कटॉप पे दिए गए आइकन पर क्लिक करेंगे या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं इसे बिटकॉइन लिख के, बिटकॉइन नहीं सॉरी इलेक्ट्रम लिख के, और जब आप इलेक्ट्रम पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पीसी में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अपने वॉलेट का कस्टम नेम भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो, वरना जो डिफॉल्ट नेम है उसे भी यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। आप अगर इसे पहली बार यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दीजिए अगर आपको कुछ नहीं पता तो। क्रिएट न्यू सीड, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी सीड है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, वरना आपको न्यू सीड डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करते रहिए। इसे आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है अपने नोटपैड पे या फिर अपनी कॉपी में, क्योंकि अगले स्टेप में आपको ये सीड का नाम लिखना पड़ेगा जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अपने नोटपैड में और अगली स्टेप में आपको यहाँ पर इसे हैंड से टाइप कर देना है जैसा कि बिल्कुल सेम इसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ था हमारी लास्ट स्टेप में। और मैं इसे टाइप कर रहा हूँ। अगर टाइप होने से ये हो जाता है तो ठीक है, अगर टाइप होने से नहीं होता तो आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर मुझे नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा तो मुझे इसको अपने डेस्कटॉप में से इसे इसमें सेव करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके मैं कर रहा हूँ इस टाइम। और जैसे ही हम इसे अपने इसे अपलोड कर देंगे इस अपने नोटपैड वाली फाइल को तो, और हम नेक्स्ट पर क्लिक कर पाएंगे। और हम अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा वॉलेट स्टार्ट हो चुका है। आपको अब यहाँ पर एक सिक्योरिटी पासवर्ड देना है ताकि आपका वॉलेट सेफ रहे। आपको ये सीड हमेशा याद रखनी है, जब भी आपने वॉलेट में आएंगे इसकी मदद से ही आप लॉगिन कर पाएंगे। जब भी आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाए तो आपको रिसीव पर क्लिक करना है। जब भी जैसे ही आप रिसीव पर क्लिक करेंगे आपको ये रिसीविंग एड्रेस दिखा देगा। अगर आपको किसी से भी बिटकॉइन लेने हैं तो आपको उसे ये एड्रेस देना होगा और ये आपके वॉलेट में आ जाएंगे और ये आपके वॉलेट में आपको शो कर देगा। अगर आपको किसी से बिटकॉइन खरीदने हैं तो आपको उसके बदले में उसे पैसे देने पड़ेंगे और उसको अपना एड्रेस दे दीजिएगा साथ में ही, और वो आपको आपका बिटकॉइन आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग पैसे ले लेते हैं और बदले में बिटकॉइन नहीं देते हैं, तो इस फ्रॉड से सावधानी रखिएगा। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है जिसकी मदद से हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन ये अपनी ट्रांजेक्शन फीस इसमें ऐड कर देते हैं। इस वजह से आपको जो बिटकॉइन मिलेगा वो थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली खरीदेंगे किसी के से जिसके पास बिटकॉइन है तो आपको वो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे महंगा खरीदने का फायदा यह है कि आपकी ट्रांजैक्शन की 100% गारंटी होती है और आपके पास बिटकॉइन पक्का आएगा ही आएगा। अगर आप कुछ ऐसे ऐप्स या वेबसाइट से खरीदते हैं जैसे कि यूनिकॉइन हो गया और हमारा जो दूसरा ऐप है वो है जेपे। अब देखते हैं कि बिटकॉइन का ट्रांसफर प्रोसेस क्या है या फिर बिटकॉइन की माइनिंग क्या है। जब भी कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिटकॉइन ट्रांसफर करता है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होता है, बहुत ज्यादा जरूरी। और ये करते हैं हमारे बिटकॉइन माइनर्स। बिटकॉइन माइनर्स वो होते हैं जो अपने कंप्यूटर का यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन हुई है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, वो ठीक है या फिर नहीं है।
अपने कंप्यूटर का यूज करने के बदले में इन्हें थोड़ा बिटकॉइन मिल जाता है। चलिए देखते हैं कि किस एक ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करने के बदले में एक बिटकॉइन माइनर को कितना बिटकॉइन मिलता है। और ये जो वेबसाइट आपके सामने है ये दिखा रही है बिटकॉइन के ट्रांजेक्शंस। जो बिटकॉइन की ट्रांजेक्शंस होती हैं वो लगभग आप इसे इस तरीके समझ सकते हैं कि हर 10 मिनट यानी कि लगभग हर 600 सेकंड्स में एक हर ट्रांजेक्शंस का एक ब्लॉक बनता है, और उस ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर की पावर चाहिए होती है, उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए, उस ब्लॉक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसके लिए बिटकॉइन माइनर्स अपना कंप्यूटर यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग एक बिटकॉइन एक ब्लॉक में लगभग 2000 से 3000 की ट्रांजेक्शंस होती हैं। आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन मैंने एक वेब पेज खोला है, इसके में लिखा हुआ है कि जितने भी बिटकॉइन की ट्रांजेक्शंस होती हैं उनके बदले में बिटकॉइन माइनर्स को बिटकॉइन दिए जाते हैं। पहले 2,10,000 ब्लॉक्स के लिए 50 बिटकॉइन दिए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे ब्लॉक्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्रीज होती जाती हैं, वैसे ही नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो रही है, वैसे ही बिटकॉइन की माइनिंग का रिवॉर्ड भी कम हो रहा है। साथ ही साथ कोई भी अपना कंप्यूटर का यूज कर सकता है बिटकॉइन की माइनिंग को करने के लिए। आप इसे स्टैंड अलोन भी कर सकते हैं, या फिर किसी वेबसाइट के द्वारा जुड़कर, किसी पूल के द्वारा साथ जुड़कर भी आप बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा पूल है और सबसे आसान पूल है जुड़ने के लिए वो है स्लश पूल। आपको इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर देना है और एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। उसके बाद आप स्लश पूल पर फ्री में अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ पर न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपना बिल्कुल ही फ्री में जो स्लश पूल पर। इसे करने के बाद आपको एक कर लेना है एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उस सॉफ्टवेयर का नाम GUI माइनर। आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, और आपको इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।